को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और परिवार में सुख समृद्धि रहे। परमात्मा से हम यही दुआ करते हैं कि आप लोग सदा खुश रहें। दर्शकों, आज हम एक आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं, दीपावली का शुभ त्यौहार है और नीफा इंद्री की तरफ से एक शहीद स्मारकों पर दिए जलाकर दीप प्रज्वलित कर उनको याद किया जा रहा है। एक शुभ संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग भी अपने आस पास जो प्रतिमाएं हैं उन पर दीप प्रज्वलित करें, और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन रहेगा कि सुरक्षित इस त्यौहार को मनाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो नीफा के सदस्य हैं, नगर पालिका स्थित जो उधम सिंह जी की जो प्रतिमा है उस पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं, और इसके बाद साफ सफाई करने के बाद इनको जो है दियों को जलाया जाएगा, और उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं जो उधम सिंह चौक है वहां पर लिए चलते हैं कि जिस तरह से नीफा संस्था की तरफ से इंद्री की तरफ से ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है, और जो नीफा के सदस्य हैं वो किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं, शहीदों को याद करते हैं, और उनको याद भी करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी की सांस जी पा रहे हैं। और यहाँ पर जो नीफा के पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है और नीफा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करती है। तो इन सब बातों को लेकर के और सब संदेशों को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई है नीफा ने और नीफा की संस्था ने, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद एक खुशी की लहर सदस्यों में दौड़ती है क्योंकि एक सुख का अनुभव होता है और ये गर्व होता है कि हमने शहीदों के नाम अपना कुछ समय अर्पण किया है। और अब जो नीफा के सदस्य हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे ये कार्यक्रम क्या है। सबसे पहले तो पंकज जी, आपको, आपके चैनल को और आपके सभी व्यूअर्स को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आज नीफा द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सभी जितने भी शहीदी स्मारक हैं और शहीदों की प्रतिमाएं हैं उनको सुबह से ही उनकी साफ सफाई करने का और दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम रखा गया है ताकि हमें ये प्रेरणा मिले कि जिन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, उनको भी इस उपलक्ष्य में याद किया जाए। तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देता हुआ केवल यही कहूँगा कि हम सबको अपने घर में तो सभी साफ सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, हमें सार्वजनिक स्थानों पे, हमें सभी शहीदों की प्रतिमाओं पे भी दीपक जलाने चाहिए। तो ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे नीफा अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रीतपाल पन्नू जी हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे, और दूसरा ये हमारे सबके अपने पारिवारिक जो गुण हैं, हमें पारिवारिक जो परंपराएं सीखने को मिली हैं उनसे ही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश की जो परंपराएं हैं उनको बिल्कुल निर्वाहित करना चाहिए और उसमें सभी को सम्मिलित करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और नीफा टीम इंद्री की तरफ से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और इंद्री हल्का वासियों को बधाई देना चाहूँगा, दीपावली की शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। जन तहलका न्यूज़ चैनल के माध्यम से और श्री पंकज जी हमारे जो रिपोर्टर हैं इनकी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज का जो प्रोग्राम है ये दीपावली के उपलक्ष्य में शहीदों की जो स्मारक हैं इंद्री शहर के अंदर, हमारे इंद्री टीम के द्वारा उनको साफ़ सफाई किया गया और वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए। सारी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य किया, सबने मिलकर दीप जलाए और दीपावली को अच्छी तरह से बनाया, और मैं सबको शुभ दीपावली की बधाई देना। तो आपने सुना है कि नीफा संस्था की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, शहीद हैं, शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों के स्मारक पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है हमें भी आयोजित करने चाहिए, सभी को इन तरह के आयोजित करने चाहिए कार्यक्रम, ताकि समाज में एक अच्छी सीख मिल सके और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय शहीद उधम सिंह चौक से पंकज कुमार।